यकीन करो बड़ा सुकून मिलता है जो सफाई आप नहीं करनी पैंदी, बड़ी देर आप कीती हुण बस उठो ना हो ते काम वाल ध्यान दो। मैंने तकरीबन 3 से 4 घंटे मैंने वीडियो नहीं बनाई, इतना कचरा था ना पूरे रूम में। जब इसने आना था मैंने दोनों अलमारियां साफ की, सारी खाली की, ये जो ये अलमारी पे ये छोटा ये पड़ा हुआ है ये भी सारा मैंने साफ खाली करके साफ किया। और अभी इस रूम में कोई मेजर काम नहीं है सफाई वाला, सारा ओके है। बस यही है छोटा छोटा डेली होता रहे तो है, ज्यादा तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्यों क्यों, रूम साफ नहीं था जब आई थी? इतना गंदा था आप देखते हैं ना, क्योंकि कम से कम वीडियो जितना हम ना बोल। बैठे सामने सामने से सफाई करते हैं, मेन सफाई जो होती है ना। मेन कौन सी है, मैं बैठ के नीचे चला जाऊं? मेन सफाई कौन सी थी दोस्तों यार कोई नहीं, हाले पहला दिन है, रोज मेरी बिस्ती होती है जी मीठी मीठी। वे कैसी, अगला स्पेशल खाना छोड़ के तो उसको देखने आया कि वो क्या बात कर रही है। और स्मोकी स्मोकी ठीक रहे, चिल बैठी हुई है, खाना खा रही है, उसको कोई टेंशन नहीं है, इसको सारी टेंशन है। और क्या है, कैसी, क्या है, खाना क्यों नहीं खा रहे, क्यों नहीं खा रहे? उसने नहीं खाना जी खाना। जब इसकी फ्लाइट थी ना 2 दिन तक ये टेंशन लेके बैठी रही थी कि मुझे जहाज में बैठने से डर लगता है। मैं क्या, कुछ भी नहीं होता, सारी दुनिया बैठी होती है और सबसे ज्यादा सेफेस्ट सफर इस एरोप्लेन का। लेकिन ना जी, इस मैडम ने तो मुझे डर लग रहा है, मैं मेरा नहीं दिल कर रहा है, ऐसे है वैसे है वैसे है। और जब आई है तो मुझे आके कहती है मैंने इतना इंजॉय किया पूरा रास्ता। मैं क्या, दसो सानू दीतियां टेंशन तो आप कितने इंजॉय इधर आए ना नहीं इतना मोटिए भी इंजॉय नहीं किया, बीच बीच में हमारा जहाज जो थोड़ा सा फिर डगमगा सा रहा था, क्योंकि मौसम जो है ना खराब था ना, हाँ। तो 2-3 दफा उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि मौसम की खराबी की वजह से ना आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल ही हो गया था हो रहा था, मतलब वाइब्रेशन थी वो, जहाज एयर का, टर्बुलेंस सामान होती है गिर उससे रहा होता ही था, होता है। जैसे जैसे आप अंदाजा लगाए हम बस में बैठे होते हैं और कोई ऐसा रोड होता है जिसमें बस ऐसे ऐसे हिल रही होती है, हाँ वैसे जहाज हिल रहा था, जहाज ही ले तो लेकिन ज्यादा डर मैं लगता जो है ना, तसल्ली दी क्या करना था, जा कसमें मनु बड़ा डर लगता ज्यादा अच्छा सफर मेरा इसलिए गुजर गया था, मेरे साथ छोटी सी एक ना बेबी थी, वो 2 इयर्स की थी कोई ना, तो उसके साथ वो जब बैठी ना तो मेरा ध्यान उसकी तरफ था, तो बस इसीलिए अभी पूछना। चला गया उसके पास खाना खाने। तो आके के बड़ा समझाया इन्हों, रोटी दे टाइम रोटी खाया कर। तो कर नहीं रही अब सफाई, है सफाई नहीं कर दी। आप उठे ना, नहीं तो मेरी बेडशीट का काट बेड दो, शीट ठीक है, बेड शीट का क्या सही करना है? करनी है। चलो जी, एक तो है कसमें भाई काम नहीं बीबियां ने मुकदे, सब तो पहला काम ही बेड शीट वाला कर दिए ताकि इन्हों उठाइए, इन्हों ना सुकून लैन दईए। उठ जाने हैं जी, असी मारे बंदे हैं ना, मन के असा कितने जाना है ये देख इन दोनों को देख। खाना वाना छोड़ के वो सिर्फ उसका ध्यान हमारी तरफ ही होता है। ओए पीछे हो जा अच्छा सारे काम बेगम कर लेगी रूम के, एक काम नहीं उसने करना लीटर का। जब मैं पाकिस्तान में था मेरी माँ भी यही करती थी, लीटर नहीं वो मोशन नहीं उन्होंने किया कि बिल्ली का उठाना, तो बाकी प्यार करना खाना देना हर काम कर लेना इसके साथ। और ये भी ऐसे ही करती है, अभी अभी मैंने इसका सारा लीटर साफ किया। और इसके अलावा भी ये तो करो ना, अब वो कर रही हूँ मैं वो कह रही तो नहा के आगे ही कपड़ा रखा हुआ है क्योंकि मैंने लीटर साफ किया इसका। इसने मुझे बोला था कि मेरे पास बेडशीट है, आप बेडशीट ना लेना मैं आ रही हूँ तो मैं आकर वो आपको दे दूंगी। मैंने कहा नहीं यार अच्छा नहीं लगता। फिर मैं गया और ये एक बेडशीट मिली मुझे, ये वाली, ये इसमें रजाई टाइप मतलब एसी कंफर्ट। ब्लैंकेट था, हाँ जी, और 4 वो कवर थे तकिए के। मैंने कहा चलो कुछ कुछ तो साफ सुथरा होना चाहिए ना, उक्का ही थोड़ी। और मेरे लिए जो ये लेकर आई है, मैंने इसको बहुत मना किया था कि मेरे लिए कुछ भी ना लेकर आना, क्योंकि जब भी ये मेरे लिए कपड़े ले ना तो या तो फिर वो छोटे निकलते हैं या फिर बड़े हो निकलते हैं। तो भी मेरे लिए ये एक ये पैंट इसने मुझे बोल दिया था, मुझे बता दे कौन कौन सा कलर चाहिए, और एक ये पैंट। कैसी,
चल ठीक है तू पहन ले। ओए तू पहन ले, दो ये लेकर आई और एक ये शर्ट। ये शर्ट मुझे कोई इतनी मैं कहना नहीं चाहता लेकिन भैया कहना कहना तो सही क्या, ये शर्ट मुझे ना थोड़ी सी इतनी खास नहीं लगी, लेकिन वो जो ये चार बनाने ले आई है मेरे लिए, चार मेरे पास पहले ही पड़ी हुई थी, ये बर्तन ले आई है। और किधर तो है सही। दूसरी शर्ट किधर रखी है आपने? मेरे वही तो शर्ट को अच्छी, पसंद है क्या वो, वैसे पसंद है मैंने ऐसे ही ली थी, मुझे नहीं थी पसंद। अभी ये इधर मेरे कपड़े हैं बस, बाकी इन तीनों में ये अपने रखेगी। किचन का सामान हम किचन में रखेंगे, आज मैंने उससे बात करके ना एक केबल लेना है किचन में, क्योंकि पहले मैं यूज़ नहीं करता था तो अब मैं यूज़ करूँगा। और ये मोबाइल इसका है, क्योंकि मेरे वाले से तो रिज़ल्ट आपको पता ही है कैसा टिप टॉप रिज़ल्ट आता है मेरा। स्मोकी इधर आ, बाहिरा बाहिरा, बिरयानी लेकर आई थी मैडम स्पेशल बना कर, खराब हो गई। आई डोंट नो भाई, 5-6 बजे की पैक करके तो उसके बाद सामान वगैरह में डाल के लेकर आए थे, तो टिकियाँ और बाकी सालन वगैरह ठीक है, लेकिन रोज़े की हालत में पता ही नहीं चल रहा क्या खाए क्या नहीं खाए। सबसे पहले ये डैन जो चीज़ ख़त्म कर दी है वो स्पैगेटी, स्पैगेटी लवर है, लेकिन कोई नहीं, इसने मुझे भी बना दिया। मैंने आज से पहले इतनी नहीं कभी भी खाई थी, अभी दिन रात शाम स्पैगेटी पड़ी और स्पैगेटी 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 स्पैगेटी। हाँ मुझे उस वक्त की कैसी बेगम मेरी कह रही है रूम स्प्रे लेकर आए, तुसी दोवीं प्लीज अपनी पिठा पे काबू रखो। हैं कैसी आपकी बातें भी सुन रहा है कैसी? कैसी, बहुत पारा बच्चा जी, वो तो आप सब कहते हो लेकिन मैं भी कहता हूँ, लेकिन जब ये गुस्से में आता है ना मुझे नहीं बख्शता। वैसे लेकिन जब मैं आई थी ना तो मैं इनको देख के सही शॉक हुई थी, क्योंकि ये जो रियल में ज्यादा खूबसूरत है कैमरे की निस्बत ना। और वाकई ये बात ठीक कह रही है, ये वैसे रियल में ज्यादा प्यारे लगते हैं, साफ सुथरे से। कैमरा मेरा आपको पता ही क्या यार, नहीं जब मेरे आईफोन की वीडियोस मैं बनाता था तो स्टार्ट में इतने अच्छे तो ये लगते थे, साफ सुथरे से, हाँ जी और इस कैमरे से वो मेरा मोबाइल किधर पड़ा हुआ है। मैंने कहा आज इसके मोबाइल से, ये है ना सैमसंग A22, इसका वॉलपेपर भी मैंने मुन्ने के नाम पे लगा, पिक्चर पे लगाया हुआ है, और इससे बनाता हूँ। और इसका कैमरा देखो अंदर से कितना गंदा, मुझे बहुत रगड़ रगड़ के साफ करना पड़ता है। तो अभी ये बेगम आई थी, मैंने कहा इसके कैमरे से बना लेता हूँ। तो अच्छा जब ये रूम में एंटर होने लगी तो मुझे कहती है ये तो वीडियो वाले लग ही नहीं रहे। मैंने कहा क्या मतलब, कहती है वीडियो में तो लगता प्यारे लगते हैं लेकिन इतने नहीं लगते जितने ये क्यूट से नन्हे मुन्ने से ओरिजिनल में लग रहे हैं। स्मोकी को भी देख के उसका रिएक्शन टोटली बदल गया, इसकी विंडो बंद कर दो शोर बहुत आ रहा है। स्मोकी को देख कर भी उसका रिएक्शन टोटली बदल गया कि स्मोकी भी इतनी प्यारी है तो वीडियो में किस तरह की लगती है। मैंने कहा हाँ जी बस वीडियो में तो स्मोकी नजर ही नहीं आती, वीडियो में इतनी हाँ नहीं इतनी ब्लैक टोन ब्लैक, होती हाँ है लेकिन इसकी। इधर ना इसका कलर है ग्रे और बहुत स्वीट और क्यूट सी है। और ये तो माशाल्लाह है हमारा मुन्ना, शुक्र है कैसी ने आज तक जो वो बिग वाला प्रॉब्लम नहीं होता तंग करना वो नहीं आज तक किया। ठीक है कैसी, देख ले तेरी तरीफी आज कर रहा हूँ, ओके है ओए कैसे अच्छा कैसे कि मुझसे ज्यादा नजर ना उस वो बिया पर है कि ये आ जा रही है कहाँ क्या कर रही है, ये जा क्यों नहीं रही। चलो मैंने तो अच्छा कुछ ये डरती है, ऐसे नहीं है कि ये डरती नहीं है, हल्का सा कैसी कैसी थोड़ा दूर दूर रहे ना तो ठीक है इसके लिए, कैसे जैसे इसके पास जाता ना तो ऐसे ऐसे डर के कहती है मेरा हाल देखना ये मुझे मारे ये ना आके मुंह पे चाटता है। हाँ तो वो प्यार करते हैं ना। चलो अभी तक अस्तगफिरुल्लाह, ओए सफाई क्यों नहीं कर रही अब, वैसे शिकारी तो कैसे इधर आ गया हमला करने के लिए, हमला नहीं इस करने पे के तो लिए, वो मूवमेंट होती हो ना कोई भी चीज की। ज्यादा स्पेस में लगाने की सलाह। फिनिश करो ना, मनो भी खिला रहे हैं दोनों। चलो 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 शाबाश, कैसी वेल है सानू गलां दे ध्यान ला के ना खिला रहे हैं, अस तंग करती हैं अभी, तंग करती तुम्हें तंग क्या, चलो कैसी ही जगह खाली करो, अब किधर नीचे 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 नीचे।
ਕੈਸੀ ਵੇਲ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਤਾ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਤੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਰੂਮ ਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਫਾਈ ਕਰਤਾ ਥਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਸੇ ਵੀ ਉਠਾਨੀ ਪੜਤੀ ਥੀ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਰੂਮ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਪੜਤਾ ਥਾ। ਅਬ ਬੇਗਮ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਰੇਗੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ। ਚੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਵੀ ਲੈ। ਕਿਆ ਹੈ, ਆਪਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਆਪਕੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਾਲ ਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਗਮੀ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੈਸੀ ਕਿ ਹਾਥੋਂ ਜਲੀਲ ਹੋ ਰਹਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਲੀਲ ਤੋਂ ਹੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹਾ, ਸਮੋਕੀ ਕੇ ਹਾਥੋਂ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਲੀਲ ਤੋਂ ਹੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ। ਤੁਹਾਰੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਵੀ ਲਓ ਅਭੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਮੁਝੇ ਕਹਤੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰ ਦਿਆ, ਕਹਤੀ ਇੱਧਰ ਆਓ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਲਪ, ਬੜੀਆਂ ਹੈਲਪਾਂ ਕੀਤੀ ਯਾਰ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਬੈਡ ਯਾਰ, ਮੁਝੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਥਾ ਕਿ ਇਹ ਰੇਸ਼ਮੀ ਟਾਈਪ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਰੈਪਰ ਮੇਂ ਨਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹਾ ਥਾ, ਤੋ ਮੈਨੇ ਇਸਕੋ ਦੇਖ ਕਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਔਰ ਜਬ ਇਹ ਮੈਨੇ ਡਾਲੀ ਮੁਝੇ ਵੀ ਲਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤੋ ਟਿਕਨੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੈਡਸ਼ੀਟ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ, ਜੋ ਤੁਮ ਲਾਈ ਹੋ ਨਾ। ਚਲ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਠੀਕ, ਕੈਸੀ ਚਲਾ ਜਾ ਪਿੱਛੇ। ਔਰ UAE ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਚੱਪਲੇ, ਮੈਨੇ ਇਸੇ ਬੋਲਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਤੀ, ਸ਼ੂਜ਼ ਲੈ ਲਓ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਚਾਹੇ ਜੂਤੇ ਲੈ ਲਓ। ਤੋ ਤੁਮ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਰੱਖ ਦੋ ਅਬ, ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਭੇਜ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਵੇਖਿਆ ਵੇਖਿਆ ਕੈਸੀ ਮੇਰੀਆਂ ਜਾਨ ਦੇ ਟੋਟੇ ਨਾ, ਇੰਜ ਤੰਗ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਨਿਨੋ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੁੱਤਰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਝੇਲਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੂੰ ਝੇਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਭੀ ਉਸਨੇ ਹਲਕੀ ਸੀ ਸਫਾਈ ਕੀ ਆ, ਔਰ ਮੁਝੇ ਖੈਂਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੈਡ ਪੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਮੈਨੇ, ਅਭੀ ਸਫਾਈ ਕੀ ਆ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੱਪ ਗਿਆ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਨੇ ਹਾਲੇ ਚਾਦਰ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ ਚਾਦਰ ਠੀਕ ਕੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਫੋਲਡ ਕੀ ਆ ਬਸ, ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬੈਡ ਪੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਇਸਕੋ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ। ਉਹ ਹੈਲੋ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਬਦਲੇ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ, ਗਰ ਕੀ ਰੋਣਾ ਕਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਘਰ ਮੇਂ ਇੱਕ ਹੋਤਾ ਨਾ ਅਵਾਰਾ ਅਵਾਰਾ ਹੂੰ, ਮਾਮਾ ਪਾਪਾ ਕੀ ਆਂਖੋਂ ਕਾ ਤਾਰਾ ਹੂੰ ਅਵਾਰਾ ਹੂੰ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਮ ਫਿਰ ਬਣ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕੱਟ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਂ ਇਸ ਕੇ ਨੇਲ ਕੱਟਦਾ ਹੂੰ, ਮੁਝੇ ਵੀ ਫਿਰ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਥੇ ਮੁਝੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਨਿਊ ਫੋਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਦੂਸਰੀ, ਵੋ ਤੋ ਕਸਮ ਸੇ ਵੋ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੋਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਨਿੱਗੀ ਨਿੱਗੀ ਕੁੜੀ, ਹਰ ਘਰ ਮੇਂ ਇੱਕ ਨਿੱਗੀ ਕੁੜੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੋ ਹੈ, ਸੋਤੀ ਸੋਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੋ ਸੋਈ ਰਹਤੀ ਹੈ, ਸੋਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੈਠੀ ਰਹਤੀ ਹੈ, ਬਸ ਬੈਠੀ ਰਹਤੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਿਲ ਮੋਲ ਹੈ, ਇਸਕੋ ਕੋਈ ਵੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੈਸੀ ਤੋਬਾ ਅਵਾਰਾ ਬੋਲਾ ਕਿ ਕੈਸੀ ਵੀ ਕਹੀਂ ਹੋਰ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਛੁਪ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਸੀ ਤੋਂ ਅਭੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਉਸੇ ਐਡਜਸਟ ਹੋਣੇ ਮੇਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਮੋਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚਲ ਯਾਰ, ਅਬ ਤੁਮ ਨੀਚੇ ਸੇ ਕਰ ਲੋ ਮੈਂ ਜੀ ਕਚਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਕੈਸੀ ਕੈਸੀ ਗੰਦ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਫਾਈ ਕਰ, ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਫਾਈ, ਮੇਰੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੀਵੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੋਈ ਰੋਬ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਗੱਲ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਉਲਟਾ ਰੋਬ ਇਹ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਰੋਬ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੂੰ, ਇਸ ਸੇ ਸਹੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਵੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਕਾ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਮੁਝਸੇ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬਹਾਨੇ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਯਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਥਾ, ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਥਾ ਤੁਹਾਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਸੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਰੈਸਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ ਥਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਤਨਾ, ਸਿਰਫ ਬੈਡ ਸ਼ੀਟ ਇਸਨੇ ਠੀਕ ਕੀ ਆ ਔਰ ਬਸ ਖਤਮ, ਚੀਖ ਚੀਖ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ਓਕੇ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਸਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਇਹਦਾ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜ਼ਰਾ।
ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮੇ ਫਿਰੇਗੀ ਨਾ, ਇਹ ਥੱਕ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਏਗੀ ਨਾ ਤੇ ਰੂਮ ਮੇ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਇੱਧਰ ਜੋ ਵੀ ਆਤਾ ਹੈ ਵੋ ਵਾਪਸ ਹੀ ਭਾਗਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੋ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਇੱਧਰ ਕਿਤਨੀ ਬੋਰਿੰਗ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਲੇ 2-4 ਦਿਨ ਹੋਰ ਠਹਿਰ ਜਾ, 27ਵੀਂ 3ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਬਣੀ ਜਾ ਨਾ, ਆਪੇ ਸਹੀ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਟੁੱਟ ਜਾਏਂਗੀ। ਕੈਸੀ? ਨਹੀਂ, ਇਸਕੋ ਘੁਮਾ ਕਰ ਲਾਏਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਭੀ ਨਹੀਂ, ਅਭੀ ਤੋ ਯੇ ਪਾਸ ਪਾਸ ਵਾਲੇ ਏਰੀਏ ਘੁੰਮ ਲੇਂਗੇ, ਔਰ ਦੂਰ ਦੁਬਈ ਮੇਂ ਕਹੀਂ ਘੁੰਮਨੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਜਾਏਂਗੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ। ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਲਾਈਕ, ਕਮੈਂਟ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ।